अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो चलते हैं आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और उसको जो आज की हमारी रेसिपी है वो पोटैटोज़ रिंग है। तो उसको बनाने के लिए मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है और आलूओं को बॉईल करके ठंडा कर लिया है। इनका ठंडा होना ज़रूरी है। तो अब मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। आखिरी पोटैटो जो था उसको भी मैंने इस तरह कद्दूकश कर लिया है। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब एक फ्राई पैन में मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डालूंगी और उसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 कप ये वाला मैयर किया हुआ है मैंने सूजी का, ये ऐड करूंगी। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं सूजी को। तकरीबन 4-5 मिनट इसको भूनूंगी मैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो पोटैटो मैंने कद्दूकश किए इनको, और इसको सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो मॉइस्चर है आलूओं के अंदर वो भी ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून साल्ट है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये ऐड कर दूंगी मैं। तो देखिए व्यूअर्स, इसको तकरीबन मैंने 4-5 मिनट अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो अब वेट करते हैं, जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर अगले का आगे वाला स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। क्योंकि ये आलूओं का मॉइस्चर जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए इसके अंदर से, इसलिए इसको मैंने, तो फिर मिलते हैं ठंडा होने। जो पोटैटो का मेज़ा मैंने रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर खुली जगह है तो इसलिए मैं यहाँ पर ही इसको एक तो दफ़ा हाथों से अच्छी तरह से मस लूँगी ताकि ये यकजान हो जाए और हमें रिंग बनाने के टाइम मुश्किल पेश ना आए। अब मैं इसको हल्का हल्का बेल लूंगी बेलने की मदद से, इस तरह से हल्का हल्का इसको बेल लूंगी। ये अभी भी अलग अलग ही हो रहा है लेकिन बेलने से, तो इसका मतलब है कि ये अभी तक सेट नहीं हुआ। इसको तकरीबन और 4-5 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स करूंगी। तो देखिए अभी बस इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है, बहुत बारीक नहीं किया। और अब ये वाला मेरे पास कटर है, इसके साथ मैं इसे राउंड में काट लूंगी। तो अब दरमियान में से जो करना है तो मैं इस तरह ग्लास से अब आपको करके बताऊंगी कि अगर आपके पास कटर वगैरह ना हो तो आप किस तरह से इसको काट सकते हैं। इस तरह से ये देखें कितने अच्छे रिंग्स बने हैं इसके। तो अब मैं इनको अलग कर लेती हूँ। ये जो
एक्स्ट्रा है, इसको ढक कर देती हूँ। इसको फिर मैं बेल के तो फिर मैं इसको करूँगी फ्राई। फ्राई पैन में मैं डालूंगी ऑयल ताकि हमारे जो रिंग है वो अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल के अंदर डीप हो जाए। देखिए बहुत ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, काफ़ी ये जो रिंग है ये मैं ऑयल के अंदर डालती जाऊँगी और उनको कर फ्राई। अगर आपको उठाने में मुश्किल हो तो आप किसी चम्मच वगैरह से उठा के भी डाल सकते हैं। देखिए इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन होने चुकी है तो अब मैं इसको साइड इसकी चेंज कर लेती हूँ। देखिए बस ये गोल्डन हो चुके हैं दोनों साइडों से, ये देखिए कितने अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मिर्च हमारे पोटैटोज के जो रोल हैं रिंग तैयार हो चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स शेयर करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा है, तो आजकल मौसम इस तरह का है कि वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कैमरे की रोशनी वगैरह के लिए। तो फिर चलें मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।